एमपी हेडलाइंस, मैं हूं आपके साथ आमना। राजधानी लखनऊ में गर्म हुए मौसम और चिलचिलाते धूप और गर्मी से लोगों की हालत खस्ता हो चुकी है, तो वहीं लखनऊ के कुछ क्षेत्रों में गर्मी से जगी प्यास बुझाने के लिए सार्वजनिक पियाव व्यवस्था के इंतजाम भी किए गए हैं। कुछ दिनों से 38 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तापमान में उमस भरी गर्मी से बचने के लिए एक आम इंसान का बाहर के वातावरण में निकलना पहाड़ तोड़ने जैसा काम लग रहा है। सामान्य वातावरण में भीड़, मोटरसाइकिल वाहन से भरी रहने वाली सड़कें और बाजारों में भी गर्मी की वजह से सन्नाटा ही दिखा। गर्मी से बेहाल लखनऊ वासियों ने गर्मी से बचने और पर्यावरण संरक्षण के साथ पेड़ संरक्षण मुद्दों को लेकर अपनी बात रखी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द यूपी हेडलाइंस न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपके साथ में खुर्शीद आलम। द यूपी न्यूज़ चैनल की टीम आज लखनऊ के सबसे व्यस्ततम चौराहे परिवर्तन चौक से लाइव चौपाल की शुरुआत कर रही है और आज का विषय जो लखनऊ शहर में एकदम से बढ़ी गर्मी को लेकर के है। जी हाँ, एकदम से मौसम में हुए बदलाव और बढ़ती गर्मी ने लोगों के जीवन को अस्त व्यस्त करके रख दिया है और लोगों को घर से बाहर निकलने के लिए भी मजबूर करके रख दिया है। जी हाँ, एकदम से लगातार बढ़ती गर्मी से लखनऊ वासी बहुत ही बेचैनी से और बहुत ही गर्मी से जीवन जीने पे मजबूर हैं। हम इसके लिए यहाँ पर लोगों से बात करेंगे। यहाँ पर पियाऊ की व्यवस्था है, गर्मी से परेशान होकर के यहाँ से गुजरते राहगीर, इस सड़क से गुजरते हुए लोग यहाँ पर पानी पीने के लिए आ रहे हैं। क्या कुछ कहना है बदलते मौसम पे और बढ़ी हुई गर्मी पर लोगों का? आइए बताइए, जिस तरीके से शहर में जो गर्मी बढ़ रही है, बहुत गर्म है, आप लोगों ने क्या कुछ इंतजाम किए गर्मी से बचने के लिए? अरे भैया, का इंतजाम है, यही था कि आए थे रास्ता में रुक के पानी वानी पी लेते थे, फिर आगे बढ़े। कौन इस पे है? क्या लगता है कि ये जो बिगड़ी हुई व्यवस्था है गर्मी को लेकर के सही करने के लिए? नहीं, कुछ इस विषय में थोड़ा सा सरकार को भी, चूँकि ये मेट्रो सिटी है तो इस तरह की छोटी छोटी सुविधाओं पर ध्यान देना चाहिए। बड़े बड़े चौराहों पर पेयजल की सुविधा गवर्नमेंट को उपलब्ध के, चाहे भूख प्यास से सब आते हैं, कम से कम पानी पी लिया आगे बढ़ जाए, कहीं कोई भी न टंकी न कुछ है, क्या है। जिस तरीके से लगातार शहर में मौसम में बदलाव हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है, क्या कुछ कहना है इसको लेकर? मौसम में गर्मी जो है ज़्यादा बढ़ रही है, अगर जगह जगह पर पियाऊ लग जाए तो उससे जनता को राहत हो जाती है, क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा होती है कि थोड़ी दूर चलने के बाद में आदमी को प्यास तुरंत लग जाती है। तो अगर ये चीज़ें हैं, लोग करना चाहते हैं, तो इससे ज़्यादा, इसके अलावा जो ये मौसम में जो बदलाव इतना हो रहा है, इसको कैसे रोका जाए? क्या मौसम के बदलाव को, तो हम लोग या तो पौधा रोपण करें, प्रदूषण कम करें, कम से कम प्रदूषण जितना ज़्यादा ना हो उससे रोका जा सकता है इसको। गर्मी तो बहुत अधिक ज़्यादा हो रही है, बताइए इसमें क्या किया जाए? पेड़ वगैरह लगाने चाहिए, पेड़ तो लगाया है, खेत घरी के पास लगाया है, नीम का पेड़, एसी वगैरह का यूज़ करना नहीं, एसी भैया घर में तो है ही नहीं, पंखा है छत वाला। और भी लोग पेड़ लगाएं? हाँ, और लोग पेड़ लगाएं, अच्छी बात है, थोड़ा सुविधाएँ मिलेंगी आपको, सभी को मिलेंगी, हमें क्या सभी को मिलेंगी, कोई भी, अब जैसे यहीं एक छाए है, खड़े हो गया, सभी को खड़े हो जाता है। कितने बजे से सुबह से लगभग जो है अभी तक के कितने लोगों को पानी पिलाया है, क्या कुछ कहना है? अब सुबह तो 8:30 बजे हम खोल देते हैं, हाँ। और शाम को 10 बजे के आसपास तक हम कार्यक्रम चलता रहता है पूरा। अभी कितना बच गया है? अभी तो लगभग 2-3 के बीच का समय होगा इससे। कितने लोगों ने पानी पिया लमसम? अब आइडिया तो नहीं रखते, लेकिन फिर भी 500-600 लोग तो हो ही गए लमसम। अब गर्मी की क्या कुछ हालत है, क्या कह रहे हैं गर्मी के लोग, क्या कह रहे हैं पानी पीने आ रहे हैं, गर्मी को लेकर क्या? हाँ, गर्मी से तो कुछ परिवर्तन होता ही है, जिस दिन धूप अधिक होगी तो उस दिन वो निकले, पानी की मात्रा ज़्यादा जाएगी। हम इसी कड़ी में जो हम यहाँ पिया व्यवस्था के लिए जो यहाँ पे जो मैनेजमेंट के लिए बैठे हुए लोग हैं, हम इनसे भी बात करेंगे कि लगातार बढ़ती गर्मी और यहाँ पर गर्मी से परेशान होकर के प्यास के लिए, प्यास बुझाने के लिए यहाँ पर कितने लोग आए हैं और गर्मी को लेकर के भी क्या कुछ इनका कहना है। मैं डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता जी के इनका सेवक हूँ छोटा सा, ठीक है। उनकी स्मृति में, भैया जी की स्मृति में हर साल पियाऊ लगता है यहाँ पे, और यहाँ जनता जनार्दन बहुत पानी के लिए त्रस्ती थी पहले, तो हम लोगों ने प्याव लगाया भैया के स्मृति की याद में। हमारे विराज सागर दास जी,
जो है उनके पेटे। तो ये बताइए, जिस तरीके से मौसम बदल रहा है, गर्म हो रहा है, बदलाव हुआ है, पर्यावरण बिगड़ रहा है, उसके संरक्षण के लिए क्या कुछ है, कुछ क्या कुछ कहना चाहते हैं? बहुत कुछ बताइए। पानी हम लोग पे पानी तो एक है, ये मेन पेड़ पौधे उद्योग लगाने के लिए हम लोग सबसे जागरूक करना चाहते हैं। पेड़ एक एक अपने घर पे ही एक एक पेड़ लगाए, दरवाजे के बाहर, गेट के पास, सभी लोग। और इसके अलावा जैसे एसी वगैरह के यूज़ से भी, तो एसी से तो नुकसान होता ही, पर्यावरण के लिए एसी का बहुत नुकसान है, जो एसी लगाते हैं ज़्यादातर उसमें। अरे हमारा यही कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति को, गर्मियों में बरसात आ रही है अब इतने टाइम, हर व्यक्ति को एक एक पेड़ पार्क में या अपने दरवाजे या सड़क पे लगाना चाहिए। और उसके साथ एक अपील आप लोग के साथ में और है मेरी, कि जल बचाव करें। जैसे लोग गाड़ी धुलते हैं, पानी वेस्ट यूज करते हैं, उस चीज़ों को बचाव करें खुद स्वयं आदमी आगे आके। जब हम आप जल बचाव करेंगे तभी। ये हमारे साथ में यहाँ की कुछ जो लोग थे जिन्होंने मौसम के बदलते मिजाज और एकदम से राजधानी में जो मौसम गर्म हुआ है इसको लेकर के अपनी राय प्रकट की है। साथ ही लोगों का ये भी कहना है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए सब ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाएं और पानी को भी बचाया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट जीसान के साथ मैं खुर्शीद आलम, द यूपी हेडलाइंस न्यूज़, लखनऊ। ये थी हमारे संवाददाता खुर्शीद आलम की रिपोर्ट। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द यूपी हेडलाइंस। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे चैनल द यूपी हेडलाइंस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।